ह्यूंडई की अल्कजर और महिंद्रा के XUV 700 जैसे गाड़ियों के साथ कम्पीट करने के लिए मारुति सुजुकी काफ़ी जल्द अपने एक 7-सीटर फुल लोडेड फीचर्स के साथ एक SUV लॉन्च करने वाली है, जो कि बेस्ड होगा ग्रैंड विटारा, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, उसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो इस वीडियो को फास्ट से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आपका सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है, तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर ऑल क्लिक कर लीजिए। अभी मारुति सुजुकी करंटली कई सारे SUV के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि कुछ दिनों के अंदर इंडिया के मार्केट में लॉन्च होने वाला है। उसके साथ साथ एक नए 7-सीटर SUV के ऊपर भी मारुति सुजुकी काम कर रहा है, जो कि काफ़ी जल्द लॉन्च होने वाला है, और वो भी बेस्ड होने वाला है अभी अभी जो लॉन्च हुआ है ग्रैंड विटारा 5-सीटर SUV के ऊपर। ये गाड़ी मारुति सुजुकी की इंडिया की सबसे बड़ी SUV होने वाला है, जो कि डायरेक्ट राइवल होगा ह्यूंडई अल्कजर और XUV 700 जैसे प्रीमियम लेवल की SUV के साथ। बात करीजिए पावर ट्रेन्स की, तो ये गाड़ी ग्रैंड विटारा जैसे ही आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी वही सेम इंक्लूडिंग होगा 1.5 लीटर एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है, वही इंजन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके साथ साथ सुजुकी की जो 1.5 लीटर K15C माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको 115 BHP का पावर और 141 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा, और माइल्ड हाइब्रिड में आपको 103 BHP का पावर और 135 Nm का टॉर्क देखने को मिलने वाला है। इस गाड़ी में भी आपको एडवांस लेवल की फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, फुल लोडेड ये गाड़ी होने वाला है, और अपने कंपटीशन के साथ कम्पीट करने के लिए भी यहाँ पे आपको एक बड़ी सी सनरूफ देखने को मिलने वाली है, एक न्यू स्मार्ट प्ले टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाएगा, विथ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स भी गाड़ी में देखने को मिल जाएगा, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ लॉट्स ऑफ ड्राइविंग इंफॉर्मेशन, आप उसके साथ साथ ऑटो डिमिंग एयर वेंट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ORVMs आपको देखने को मिल जाएगा। गाड़ी में आपको कैप्टन सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, 7-सीटर और 6-सीटर में भी ये गाड़ी अवेलेबल होने वाला है। उसके साथ साथ आपको पुश स्टार्ट बटन, कीलेस एंट्री के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने को मिल सकता है, 360° कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, मारुति सुजुकी का कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। लुक्स वाइज बात करें तो ये गाड़ी बिल्कुल दिखने वाला है मारुति सुजुकी जो अभी अभी लॉन्च हुआ है ग्रैंड विटारा, कुछ हद तक उसी तरह देखने को आपको मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन लैंग्वेज, चाहे बात करें एक्सटीरियर की और इंटीरियर की। और ये गाड़ी काफ़ी बड़ी SUV होने वाला है मारुति सुजुकी की तरफ से, गाड़ी 6-सीटर और 7-सीटर ऑप्शन के साथ इंडिया के मार्केट में लॉन्च करी जाएगी। मारुति सुजुकी की तरफ से ये गाड़ी को मारुति सुजुकी की अर्डिकार और XL6 के ऊपर ही पोजीशन में रखा जाएगा, और ये गाड़ी मारुति सुजुकी की सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी भी होने वाला है इंडिया के मार्केट में। ये गाड़ी एक इंडिया के मार्केट में मोस्ट वेटेड गाड़ी है मारुति सुजुकी के तरफ से, और ये गाड़ी एक्सपेक्टेड है इंडिया के मार्केट में एंड ऑफ 2023 ही लॉन्च कर दी जाएगी, और कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऑटो एक्सपो 2023 में ही ये गाड़ी को शायद हो सकता है रिवील कर दिया जाए, हो सकता है ये गाड़ी काफ़ी जल्द लॉन्च हो जाए। अगर बात करें इस गाड़ी की प्राइस रेंज की, शुरू हो सकता है इसका प्राइस रेंज 11 लाख से, और ये टॉप एंड वेरिएंट में 20 लाख तक भी पहुंच सकता है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन अपकमिंग मारुति सुजुकी की 7-सीटर SUV के बारे में, और सुनने को मिल रहा है ये गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन अपकमिंग मारुति सुजुकी के 7-सीटर SUV के बारे में। आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।